अब हम पीछे का साइड बनाते हैं। तो पीछे आप देखेंगे तो ये जो दो पेंटागन शेप है वहाँ पर एक नॉट और यहाँ पर एक नॉट, दो नॉट होगा उसके ऊपर। अभी यहाँ पर एक नॉट, यहाँ पर एक नॉट है जिसमें एक एक वायर आपस में क्रॉस होंगे, उसे लेके हमें पहले नॉट डालना है। अब हमें इस वायर से यहाँ पर जितने भी वायर्स है उन सभी में एक नॉट डालना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात वायर्स है, सातों वायर पर हमें एक एक नॉट डालना है। बाकी बचे हुए पांचों वायर पर डाल दीजिए। इस साइड में जो है वहां पर नहीं डालना है, बस यहाँ पर जो ऐसे जा रहे हैं वहां तक हमें डालना है। सातों वायरों पर हमें नॉट डाल दिया। अब इस साइड आते हैं। अब इस वायर से इस साइड में भी सात वायर्स होंगे, सातों वायर पर आपको नॉट डालना है। बचे वायर पर भी सभी वायर पर नॉट डाल दीजिए। मैं पूरा डाल के बताती हूँ। इस साइड में भी हमने डाल दिया है। अब क्या करना है, एक दो तीन नॉट डाला ना, अब यहाँ पर चौथा नॉट डालना है। पेंटागन से एक दो तीन चार, चार नॉट आएंगे और गैप एक दो तीन गैप आएंगे। अब हमें फिर से यहाँ पर एक वायर और यहाँ पर एक वायर क्रॉस हो रहा ना, इन दोनों को लेके नॉट डालना है और ऊपर ऐसे क्रॉस होगा उसे एक नॉट डालना है। पहले यहाँ पर डाल लेते हैं। इसी तरह इस वायर से इस साइड डालना है। अब इन दोनों नॉट में यहाँ पर दो वायर्स क्रॉस होंगे, उसे लेके आपको नॉट डालना है। ठीक है, अब यहाँ से पेंटागन गैप्स एक दो तीन चार पाँच, पाँच नॉट से और एक दो तीन चार, चार गैप से और यहाँ पे दो वायर से और यहाँ पर देखिए पांच वायर्स आएगा इस साइड में। उसी तरह यहाँ पर भी पांच पांच वायर्स आएंगे। इसी तरह इस साइड में भी ऐसे पांच पांच वायर्स आएंगे। ऐसे आए तो अभी तक आपने सही बनाया है। अभी हमें ये जो पांच पांच वायर्स है ना, इसमें इस साइड में और इस साइड में सब में ऐसे ट्यूब्स डालना है। तो एक साइड में हमें 10 आएगा, उस साइड में 10, तो हमें ऐसे 20 ट्यूब्स चाहिए। अगर आपके पास ट्यूब नहीं है तो आप बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये ट्यूब ऐसे आएंगे जिसमें से मैंने, देखिए ऐसा आएगा जिसमें से मैंने इतना छोटा छोटा काट के रखा है। आप भी ऐसे काट लीजिए, या तो आपके पास बीड्स होगा तो, मोती होगा तो उसका भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब ट्यूब डालते हैं। ऐसे वायर पर आपको ट्यूब डालना है। ऐसे सभी वायर पर आपको ट्यूब डालना है।
ये आपके पास ट्यूब भी नहीं है, अगर मोती भी नहीं है तो बिना ट्यूब के भी आप बना सकते हैं। मैं पूरा सभी में ट्यूब डाल के बताती हूँ। ऐसे ट्यूब्स डालने के बाद यहाँ पर पीछे हमारे पास दो वायर है ना, उसमें से ये नीचे का जो वायर है उसे लेके इन सभी वायर पर नॉट डालना है। ये पहला नॉट थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि हमने ट्यूब डाला है, तो उसे थोड़ा सावधानी से देख के डालिए। सिर्फ ये पहला वाला थोड़ा मुश्किल रहेगा, उसके बाद सब डाल सकते हैं। इसे देखिए उसी वायर से भी इस सिर के पूरे 10 वायर में भी आपको नॉट डालना है। इस तरह पूरा डाल दीजिए। मैंने ये 5 वायर पर डाल दिया। अभी इसी वायर से हमें यहाँ से ये यहाँ पर जो 5 वायर है उसमें भी नॉट डालना है। देखिए इस तरह रख के नॉट डाल दीजिए। देखिए इस तरह नॉट डाल दिया। अब पूरा 5ों वायर में बचा हुआ 4ों वायर में भी नॉट डालना है। थोड़ा टाइट पकड़ के खींच के डालिए। बचे हुए वायर में और 3 वायर में डाल के आपको बताती हूँ। देखिए मैंने 10 वायर में भी ट्यूब डाल के यहाँ पर नॉट बना दिया, 10 नॉट। आप भी ऐसे बनाइए। अगर आपके पास ट्यूब नहीं है तो बिना ट्यूब के सिर्फ ये नॉट डालिए, बस। ट्यूब मिला तो ट्यूब डालिए, अगर बीड मिला तो बीड डालिए, नहीं है तो वैसे भी बना सकते हैं, सिर्फ नॉट डालिए। अब इसी तरह यहाँ के 10 वायर में भी आपको इसी तरह ट्यूब डाल के इस दूसरे वायर से नॉट डालना है। जैसे यहाँ पे बनाए उसी तरह बना दीजिए। मैं पूरा बना के कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए मैंने इस साइड में भी डाल दिया है, दोनों साइड में हमने डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, हम डाल के लास्ट में जो वायर लेके आए थे ना, उस वायर दोनों साइड के वायर लेके हमें यहाँ पर एक नॉट डालना है। देखिए दोनों साइड का वायर यहाँ से लेके आया, वो यहाँ से लेके आया वो वायर लेके हमें यहाँ पर नॉट डालना है। ये डालने थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा पर आप डाल दीजिए। गले के पीछे डाल रहे हैं हम। देखिए डाल दिया हमने। गले के पीछे हमने ये डाल दिया। अभी यहाँ पर हमारे पास 10-10 वायर होंगे ट्यूब के साथ, और पीछे आएंगे तो 2 वायर आएगा, 1 2 1 2 3 4 5। 5वां नॉट का जो 2 वायर है वो हम पूंछ के लिए यूज करने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, उस नॉट के नीचे जो होल है उसके अंदर डालना है। अंदर से ले आकर आपको इस तरह लेकर आना है दोनों वायर को।
ये हम पूंछ के लिए यूज करेंगे, इसलिए दोनों वायर को ऐसे लाइए। अभी ये जो इस साइड 10 और इस साइड 10 वायर है, सभी में हम जैस्मिन नट डालेंगे। जैस्मिन नट कैसे डालना है ये मैंने वीडियो डाला है, देख लीजिए। देखिए ये पहला नट और ये पहला नट, दोनों का वायर लीजिए। नॉर्मली हम ऐसे नट डालते, पर जैस्मिन नट के लिए आपको इसे इस साइड में फोल्ड करना पड़ेगा और इस वायर को भी इस साइड में फोल्ड करना पड़ेगा। फोल्ड कीजिए, देखिए ऐसे होना चाहिए, और इसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, अब इस वायर से जो वायर है उसे ले आकर इस नॉट के अंदर डालना है। ठीक है, और इस इस वायर से जो वायर है उसे, जो वायर हमने इंसर्ट किया था उसके ऊपर से ले आकर दोनों नॉट के अंदर छोड़ना। अब आप टाइट कर लीजिए, थोड़ा नज़दीक रख के टाइट कीजिए। देखिए जैस्मिन नॉट बन गया। इसी तरह आपको इन सभी वायर पर डालना है। इस पहले नट के वायर जो है दो, उसे भी हमें इस होल से बाहर लेकर आना है, जो हमने पहले इस नट का वायर बाहर लेके आए थे, क्योंकि इसे भी हमें पूंछ के लिए यूज़ करना है। पहले आप डाल देंगे तो बाद में आसानी होगा। देखिए इस तरह इसे भी हमने अंदर डाल दिया। अब बाकी बचे हुए 9 वीक, यहाँ के 9 वायर और यहाँ के 9 वायर पे आपको जैस्मिन नट डालना है। और इसमें थोड़ा वायर्स वेस्ट होंगे, उस कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने कम लिया तो ऊपर गर्दन में हमें कम पड़ जाएगा, इसलिए आपको 8.5 फीट तो लेना ही पड़ेगा। और ये बचे हुए ऐसे हम बाद में क्राफ्ट करते वक्त यूज कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल नॉट डालते वैसे, सिर्फ थोड़ा अलग है बस। देखिए यहाँ पर भी डाल दिया। इसी तरह सभी वायर पर आप डाल दीजिए, मैं पूरा डाल के बताती हूँ। मैं एक बार फिर से आपको जैस्मिन नॉट बता देती हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो इसे इस साइड में फोल्ड कीजिए और इस वायर को इस साइड में फोल्ड कीजिए और इस वायर के लूप को इस वायर के अंदर ऐसे डालिए। ऐसे एक शेप में आएगा। इस साइड के वायर को यहाँ पर लेकर आके इसमें डालना है। ठीक है, और इसे नीचे पकड़ लीजिए। और इस साइड का जो वायर का, ये जो लूप का वायर है नीचे, इसे इस वायर के अंदर, इस लूप के अंदर छोड़िए, लेकिन जो वायर ने उसके ऊपर होना चाहिए। फिर से इस लूप में भी छोड़िए। अब आपको नॉट को टाइट करना है। देखिए वायर को खींचेंगे तो वो टाइट हो जाएगा। दोनों वायर को ऐसे देखिए जैस्मिन नट आ गया। इसी तरह आपको डालना है।
मैंने सभी नट डाल दिया है। टोटल मैंने 10 जैस्मिन नट डाला है, जिसमें पहला जैस्मिन नट का वायर मैंने पूंछ के लिए ऐसे इंसर्ट किया इन दोनों नट का। और यहाँ पे हमें 9 नट्स आएंगे। अब आपको क्या करना है, नट्स का जो वायर है उसे 1-2 इंच तक ऐसे चोर के काट दीजिए। काट के इसके अंदर उसी जगह पर ऐसे अंदर इंसर्ट कर देना है। किसी नॉट में वगैरह इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसी जगह पर आपको अंदर इंसर्ट कर देना है। डेढ़ से 2 इंच तक काट के ऐसे इंसर्ट कर दीजिए। इसी तरह सभी वायर को 2 इंच छोड़कर काट के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। और ये जो यहाँ पर एक नॉर्मल नॉट है ना, उसके भी वायर को काट के नीचे इसी तरह इंसर्ट कर दीजिए। मैं पूरा ये सब इंसर्ट करके बताती हूँ। देखिए सभी वायर मैंने अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब हम पूंछ बनाते हैं। पूंछ बनाने के लिए मैंने 4 वायर छोड़ा है। ये हम जैसा हैंडल बनाते हैं उसी तरह बनाना है। पहले ऊपर का 2 वायर लीजिए, जिससे आपको ऐसे एक्स शेप में रखना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर है तो इस साइड से भी लाना है। यहाँ पर रखिए। अब इस साइड से वायर लेकर आके इसके नीचे से इसके ऊपर लेकर आइए। अब हमें इस साइड में जो वायर ऊपर है उसे लेकर इन दोनों वायर के बीच में से इसे यहाँ पर लाना है। अब इस वायर को इसे ले आकर इन दोनों वायर के बीच में से फिर से इसी साइड में लेके आना है। वायर ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। अब इस साइड के वायर को यहाँ पर ले आकर इन दोनों वायर के बीच में से यहाँ पर लाना है। जैसे हम हैंडल बनाते हैं उसी तरह बनाना है। जो वायर ऊपर है उसे इस साइड में लाकर दोनों वायर के बीच में से हमें यहाँ पर लाना है। बस इसी तरह जितना लंबा आपको चाहिए पूंछ उतना लंबा डाल दीजिए। इसी तरह लास्ट में यहाँ तक थोड़ा हाइट बना लीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे तो हैंडल मेकिंग प्लेलिस्ट है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। बस इतना हाइट काफ़ी है। आप चाहे तो इसमें रबर बैंड लगा सकते हैं या ऐसे वायर लेके जैसे हम गांठ बांधते उसी तरह भी आप बांध सकते हैं, या सेलो टेप चिपका सकते हैं, वो आपकी मर्जी। थोड़ा चोड़ कर काट लीजिए। ठीक है, इतना हाइट बनाया मैंने। अब हम ये मुंह में जो वायर है ये इंसर्ट करते हैं।